नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एग्री ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखेंगे पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशंस के बारे में। ठीक है, उनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस क्या हैं, मतलब कौन कौन से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं या कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ इस यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशंस है। ठीक है, या इसके हम नेशनल कोलैबोरेशंस के बारे में भी देखेंगे, दैट इज इंटरनेशनल और नेशनल दोनों कोलैबोरेशंस के बारे में देखेंगे। और बेसिकली ये पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कौन से प्लेलिस्ट में है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में और भी सारे डिटेल्ड वीडियो दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं जाकर वहां पे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप देख सकते, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल लिंकेज, कहने का मतलब कौन कौन से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ इस यूनिवर्सिटी का लिंकेज। यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में आपका ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस यूएसए। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी के साथ बेसिकली कोलैबोरेशन है इस पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। और किस लिए ये कोलैबोरेशन किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड होम साइंस एंड एलाइड साइंस। ठीक है, तो इस फील्ड में बेसिकली एक्सचेंज ऑफ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है, एंड एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर, इंफॉर्मेशन एंड मेथोडोलॉजी के लिए किया गया है, एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे यहाँ पर दिया गया है सेकेंड नंबर पे सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए। और ये कोलैबोरेशन में बेसिकली क्या क्या किए जाने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, द एक्सचेंज ऑफ प्रोफेसर, स्टूडेंट, साइंटिस्ट एंड रिसर्च पर्सनल फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग, रिसर्च एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट, एक्सचेंज ऑफ पब्लिकेशन, साइंटिफिक मटेरियल्स, स्कॉलरी पेपर्स एंड रिसर्च इन्फॉर्मेशन विच आर अवेलेबल फॉर सच सर्कुलेशन, और डेवलपिंग प्रोग्राम फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च और प्रोड्यूसिंग ज्वाइंट पब्लिकेशन, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। तो इन सभी विषयों पर बेसिकली ये कोलैबोरेशन हुआ है, ताकि वो प्रोफेसर का एक्सचेंज हो सके, स्टूडेंट्स का एक्सचेंज हो सके, साइंटिस्ट का एक्सचेंज हो सके और रिसर्च पे ये ज्वाइंटली काम कर सके। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो इन फॉरेन के टॉप यूनिवर्सिटी में या कहें कि वर्ल्ड के इस टॉप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, इवन काम करने का भी आपको मौका मिलेगा, या बहुत सारे एक्सपोजर्स से रिलेटेड आपको मौका मिलेगा इस यूनिवर्सिटी अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो। और चलिए नीचे हम देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, कनाडा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन है, आप देख सकते हैं। और किस लिए किया गया है, स्टूडेंट मोबिलिटी प्रोग्राम, इच ईयर ड्यूरिंग अ टर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट, मतलब इस एग्रीमेंट के दौरान, ठीक है, हर साल क्या होगा, इच यूनिवर्सिटी में सेंड सिलेक्टेड स्टडीज इंक्लूडिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू बी इनरोल्ड एट द अदर यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं इस एग्रीमेंट में डील हुई है कि हर साल बेसिकली क्या होगा, प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपने कुछ सिलेक्टेड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कुछ सिलेक्टेड स्टडीज में, ठीक है, वो भेज सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए। ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स अंडर दिस एग्रीमेंट शैल बी इनरोल्ड एज नॉन डिग्री स्टूडेंट्स एट द होस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द पीरियड ऑफ नॉन एक्सीडिंग 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे आपको पढ़ने का ही मौका मिलेगा, या कहें कि आप जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे भी तो काम करने के लिए आसानी से आपको मौका मिल सकता है। यहाँ पे और भी दिया हुआ डिटेल, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो की रशिया में है। तो यह रशिया की यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बेसिकली एजुकेशन के फील्ड में और रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बीच बेसिकली इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोऑपरेशन के मतलब कोऑपरेशन को प्रमोट करे, उसके लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है। सिमिलरली आप देख सकते हैं मॉस्को स्टेट एग्रो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मॉस्को रशिया, और एक और यूनिवर्सिटी है रशिया में जो कि एग्रो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसके साथ भी कोलैबोरेशन है। एंड ये किस लिए किया गया है, टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, सेम चीज के लिए। ठीक है, और सिक्स नंबर पर आपका फिलीपींस की यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। एंड किस लिए किया गया, ये टू प्रमोट रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है,
सिमिलरली आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्टर यूनाइटेड किंगडम यूके, और यहाँ पे किस लिए किया गया है, डेवलप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव टीचिंग प्रोग्राम्स एंड रिसर्च फॉर द एक्सचेंज ऑफ स्टाफ्स एंड स्टूडेंट्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एकेडमिक मटेरियल्स एंड पब्लिकेशंस द एडमिशंस टू स्टूडेंट्स टू टेक डिग्री एंड अदर कोर्सेज। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अवसर है, अगर आप यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो इन टॉप क्वालिटी के यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। कैप्रिकॉर्न प्रोजेक्ट बीबी नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी के साथ में हुआ इनका, किस लिए, टू इम्प्रूव द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टीचिंग एंड लर्निंग सिस्टम ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ टू फैकल्टीज, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हैं द रीजेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेम यूनिवर्सिटी द रीजेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए की भी एक ये यूनिवर्सिटी है, इसके साथ भी किया हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है, और किस लिए कोलैबोरेशन है यहाँ पे इस साइड में दिया हुआ है, राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ठीक है। कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी मैनहट्टन यूएसए, ठीक है। तो अभी हमने देखा बेसिकली कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इनका कैसा है, तो बहुत ही वर्ल्ड क्लास की इनकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। तो चलिए हम देखते हैं अब नेशनल कोलैबोरेशन, कहने का मतलब हमारे इंडिया में वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है या कौन कौन से वो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन है। चलिए हम देखते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली एंड इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स बेजमपेंट हैदराबाद, आप देख सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन के साथ इनका कोलैबोरेशन है फॉर द एक्सचेंज ऑफ जर्म प्लांट एंड ब्रीडिंग मटेरियल, कहने का मतलब है जर्म प्लांट एंड ब्रीडिंग मटेरियल के बीच एक्सचेंज के लिए कोलैबोरेशन है ये, और फॉर द एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर इन्फॉर्मेशन मेथोडोलॉजी के लिए। सिमिलरली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, साथ में साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के लिए भी कोलैबोरेशन किया गया, ये तीन कोलैबोरेशन, ये बेसिकली तीन कामों के लिए कोलैबोरेशन किया गया इनके साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ भी कोलैबोरेशन है, और किस लिए कोलैबोरेशन किया गया है, टू प्रेजेंट ऑल द ओकेजनल मोनोग्राफ्स फ्री ऑफ चार्ज, टू प्रेजेंट ऑल द रिसर्च रिपोर्ट व्हेन एवर नीडेड, एंड टू हेल्प प्रिपेयर एंड रिवाइज ग्रेजुएट मास्टर्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स ऑन एनवायरमेंट एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं आप किस फील्ड में बेसिकली ये कोलैबोरेशन किया गया है, ठीक है, तो राइट साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन यहाँ पे पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ किया, ठीक है, किस लिए, टू कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कोलैबोरेशन इनके साथ किस लिए हुआ है, ताकि रिमोट सेंसिंग के फील्ड में रिसर्च किया जा सके साथ में इनका मिलकर, ठीक है, और साथ में जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को भी इस फील्ड में भी रिसर्च कर सके। सिमिलरली आप देख सकते हैं नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सक्सेसफुल ट्रांसफर टू द इंडस्ट्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी टॉप क्लास की नेशनल कोलैबोरेशन है इनकी, यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली किस फील्ड में ये कोलैबोरेशन किया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। HDFC बैंक लिमिटेड, स्टैंडर्ड एग्रीकल्चरल वर्क्स बरनाला, यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड पटियाला, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा बेसिकली कि नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पंजाब यूनिवर्सिटी के, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कैसे हैं, तो अभी आपने देखा बहुत ही वर्ल्ड क्लास की है। अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ इनके पुराने कोलैबोरेशन के बारे में, ठीक है, जो ओल्ड कोलैबोरेशन है यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिंकेज विद इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ MOU साइंड बाय द यूनिवर्सिटी विद नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द 17/2010, कहने का मतलब है 2010 से 2011 के बीच, मात्र एक साल के बीच यहाँ पे देख सकते हैं इनका इंटरनेशनल एंड नेशनल कोलैबोरेशन बहुत ही टॉप क्लास की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब ऑलरेडी ये बीत चुका है कोलैबोरेशन, आप क्यों बता रहे हैं, तो बेसिकली ये जो 2010 से 11 के बीच कोलैबोरेशन था, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को पता चले कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो कैसा है, कहने का मतलब है अगर ये इनके कोलैबोरेशन इतने अच्छे हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो यूनिवर्सिटी कितनी टॉप क्लास की है या कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए मैं ये जो कोलैबोरेशन ओल्ड भी है उनको भी मैं बता रहा हूँ।
यहाँ पे देख सकते हैं लिंकेज विद इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल इंडस्ट्री है उनके साथ पहले बताया गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप बेसिकली बहुत ही ज्यादा कोलेबोरेशन है इनकी, तो मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा नहीं, सीधे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप भी नीचे देखते जाइएगा। यहाँ पे देख, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते आप देख रहे आप एमओयू बिटवीन यूएफ यूनिवर्सिटी ऑफ इदाहो मॉस्को, ठीक है, टर्की के यूनिवर्सिटी के साथ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप फैसलाबाद के साथ है, स्वीडन के साथ, सूडान के साथ है, सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं इजिप्ट के यूनिवर्सिटी के साथ है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं अब लिंकेज विद यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए उतना था कि इंटरनेशनल था, ये आपके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थे। अब देखते हैं नेशनल मतलब हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर कितने कोलैबोरेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप एमओयू बिटवीन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, इसके साथ भी कोलैबोरेशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैसलाबाद, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं इनफॉर्मल लिंकेज विद इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ कोलैबोरेशन से, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करते नेशनल लिंकेज यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ भी है, मतलब पाकिस्तान के साथ भी था 2010 से 2011 के बीच। इंटरनेशनल लिंकेज यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, जापान, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लिंकेज दोनों बताया गया, यहाँ पे पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में कहाँ कहाँ इनका कोलैबोरेशन था 2010 से 2011 के बीच, वो भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में, पैरासिटोलॉजी में, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में, देखिए मतलब एक अलग अलग इनके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आपका जो कोलैबोरेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब एक टॉप नॉच की कोलैबोरेशन है यहाँ पे देख सकते हैं आप, मतलब ऐसा कोलैबोरेशन बहुत ही कम ऐसा यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो है जिनका है कोलैबोरेशन ऐसा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के फैकल्टी के डिपार्टमेंट में अलग कोलैबोरेशन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पोल्ट्री साइंस के फील्ड में इनका पोल्ट्री साइंस वाला डिपार्टमेंट है उनमें भी कोलैबोरेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यहाँ पे देख सकते हैं आप नेशनल एंड इंटरनेशनल लिंकेज, फैकल्टी ऑफ साइंसेज के क्षेत्र में कितना कोलैबोरेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के क्षेत्र में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कोलैबोरेशन आप शायद ही कुछ यूनिवर्सिटी के आप देखे होंगे, जैसे हो गया आपका IARI हो गया जो कि न्यू दिल्ली पूसा में है, पूसा उसमें है ऐसा कोलैबोरेशन, यहाँ पर देख सकते हैं वाटर मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर में भी इनका कोलैबोरेशन, सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी, इस इंस्टीट्यूट में भी कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छा है, टॉप क्लास की कोलैबोरेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि बेसिकली इस पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन बेसिकली टॉप नॉच की कोलैबोरेशन है इनकी, ठीक है, तो आज हमने देखा बेसिकली कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के बारे में, कहने का मतलब है इंटरनेशनल एंड नेशनल कोलैबोरेशन के बारे में, कहने का मतलब है इस यूनिवर्सिटी का वो कौन कौन से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोलैबोरेशन है और किस फील्ड में कोलैबोरेशन है, ठीक है, सिमिलरली हमारे कंट्री में भी नेशनल कोलैबोरेशन मतलब कौन कौन से हमारे देश हमारे कंट्री में कौन कौन से वो इंडस्ट्रीज है इंस्टीट्यूट है कोलैबोरेशन और किस फील्ड में है। तो आपने आज इस वीडियो में देखा कि इस यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन एक टॉप क्वालिटी कोलैबोरेशन है। तब तक के लिए धन्यवाद।